माय चैनल आप श्रीवास्तव, जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को मैंने जैसे कि दो वर्ण वाले हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस करा चुके हैं, अब हम बच्चों को क्या कराएंगे, तीन वर्ण वालों की फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो रिपीट प्रैक्टिस में आज मैंने जोड़ करके राइट करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जोड़ कर बच्चों को यहाँ पर राइट करना है, जैसे कि ब थ ख बतख, इसी तरह से क म ल कमल, म ह ल महल, भ ग त भगत, सड़क सड़क, जोड़ करके राइट करेंगे बच्चे, रबड़ रबड़, भ ग त भगत, कलश कलश। तो यहाँ जोड़ करके बच्चों को राइट करना है, ये जोड़ करके शब्द राइट करें बच्चों को। देन आफ्टर बच्चों को राइटिंग वर्क में आप देंगे कमल कलम कनक, कमर कथन कड़क, मिलते जुलते हुए शब्द की प्रैक्टिस हम कराएंगे बच्चों को राइटिंग वर्क में। देखिए बदन बहन बटन, तो इस तरह से बच्चों को आप वन पेज जोड़कर राइट करने के लिए और वन पेज इन दिस टाइप बच्चों को मिलते जुलते शब्द राइट करने के लिए देंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ। मैथ में बच्चों को काउंट नंबर 1 से लेके 100 तक राइट करना है। देन मिसिंग नंबर करना है 1 से लेके 50 तक। एज यू कैन सी इन दिस टाइप बच्चों को आप देंगे 1 से लेके 50 तक ही नंबर आपको देना है। तो एज यू कैन सी आप इसी तरह से नोट डाउन करके बच्चों को आज का होमवर्क देंगे। तो काउंट नंबर 1 से लेके 100 तक, देन आफ्टर मिसिंग नंबर 1 से लेके 50 तक आपको देना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश में बच्चों को वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू रीडिंग करने के लिए देंगे, प्लस उनको हम आक्स करेंगे। जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं आप बच्चों से आक्स करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये दिखे, आप देखो ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैं बिगनिंग लेटर जब अपने डॉटर को कराती हूँ तो वो बिगनिंग लेटर के लिए मैं बताती हूँ, इसमें पूछती हूँ कि इसमें बताओ कैट का बिगनिंग लेटर कौन सा है, तो वो सी पे सर्कल करती है। आर का बिगनिंग लेटर कौन सा है, तो आर पर सर्कल करती है। तो बच्चों को बिगनिंग लेटर भी ज़रूर पता होना चाहिए कि किस लेटर से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है। जैसे कि हैट है तो हैट का बिगनिंग लेटर एच होता है। तो इस तरह से मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई है। आप चाहें तो अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं, वर्ड्स दे सकते हैं और उसकी बिगनिंग लेटर बच्चों को आप सर्कल करा सकते हैं। बट आज का होमवर्क बच्चों को लर्न करने का है, तो वॉवल साउंड ए एंड वॉवल साउंड ई, ये दोनों वर्ड्स जितने भी यहाँ पर इस बुक्स में वर्ड्स हैं वो हम वर्ड्स बच्चों को लर्न कराएंगे। देन हम आक्स करेंगे बच्चों से। तो आज बच्चों का इंग्लिश में कोई राइटिंग वर्क नहीं होगा, ये वर्क इन लोगों का सिर्फ लर्निंग का होगा, जो कि लर्न करके आप मॉम्स को या जो भी लोग हैं वो कोई भी अपने बच्चों को लर्न करके दे सकता है, लर्न करने के लिए देगा और उन सबसे ये सब चीज़ें आक्स करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।